गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने साड़ी पहन ली है यार, और तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो इन्होंने मतलब सुबह ही बोल दिया था कि मैं जब आऊँगा तो रेडी रहना और फिर तुरंत ही चल देंगे, वरना फिर अलग से सुबह के टाइम से जाना होता है ना शॉपिंग करना, तो फिर पूरे दिन की छुट्टी करानी पड़ती इनकी। तो इसलिए अब शाम के वक्त जा रहे हैं, और ज़्यादा मुझे शॉपिंग वोपिंग भी नहीं करनी है, छोटी मोटी कुछ ख़रीदारी करनी है। तो मतलब 2 घंटे या फिर 3 घंटे मतलब हो ही जाएगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब ये आ जाएंगे तो फिर चलेंगे, देखते हैं क्या क्या लेकर आते हैं। फिर ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं है वैसे तो। मैंने चूड़ी वूड़ी नहीं डाली है अभी, तो मैं खाली सिर्फ बैंगल्स डाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना, पास वाली ही मार्केट जाना है। तो गाइस, मैं शॉपिंग कर आई हूँ और मतलब पसीने के मारे देखो चेहरे में क्या हाल हो रखा है। तो मैंने मार्केट में मतलब कैमरा ऑन नहीं करा था, क्योंकि फिर मार्केट में कैमरा ऑन करो ना, मोबाइल निकालो मतलब पर्स के अंदर से, तो फिर बच्चा मांगता तो फिर लगता कहीं बच्चे से धोखे से कहीं रह नहीं जाए, फ़ोन खो ना जाए मतलब। तो इसकी वजह से फिर मैंने कैमरा नहीं निकाला, थोड़ी सी क्लिप मतलब शूट कर ली ऐसे, और प्रॉपर तरीके से मतलब कुछ शूट नहीं कर पाई। तो चलो आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पे घर पे आकर दिखा देती हूँ मैं आपको क्या मैंने क्या कुछ खरीद रखा। तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करिए, लेकिन हाँ छोटी मोटी में ही मतलब काफ़ी कुछ हो गया ना मैं करते करते। तो चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या खरीदा हुआ है। तो गाइस, मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ, तो चलो मैं सोचा चलो हाथ के हाथ मतलब आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मैंने क्या कुछ खरीद लिया। ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदा, लेकिन चलो जो भी खरीदा है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बेटू के कपड़े दिखाती हूँ आपको। मैं बेटू के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। तो उसका बर्थडे में अभी वैसे तो 10 दिन है, लेकिन श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो 2 दिन के बाद में 9-10 तारीख से शायद स्टार्ट हैं। तो फिर कपड़े या बर्थडे ऐसी कोई भी शॉपिंग ऐसे नहीं कर सकते थे उसमें, तो इसने पहले ही मतलब सामान खरीद लिया है हमने, क्योंकि फिर एक बार कपड़े को धो के करके रख देंगे, क्योंकि न्यू कपड़े फिर उसमें नहीं पहनाते हैं ना, कोई शॉपिंग करते हैं, पितर वाले दिन होते हैं मतलब। तो इस वजह से मैंने कपड़े खरीद लिए, और शॉपिंग जो भी खरीदना था मतलब खरीद लिया है। तो मैं दिखा देती हूँ, मैं यहाँ ये बेटों के कपड़े लेकर आई हूँ, टी शर्ट है, और ये इसका मतलब कैफ्री है छोटी सी, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ 2 जोड़ी कपड़े लेकर के आ गई हूँ। फिर बाद में नवरात्रों के टाइम पे मतलब खरीद ले जाएंगे। और मुझे एक चिट्टी शर्ट बहुत पसंद आई छोटी सी, तो मैंने ये ले ली है फुल आस्तीन की, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मतलब फुल आस्तीन की चाहिए होगी। तो यहाँ पे 1 जोड़ी कपड़े वो खरीदे हैं, ये लेकर है इसका। तो मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी तो फिर वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक मैंने ये टी शर्ट ली है, ये भी शायद फुल आस्तीन है, शायद हाफ है पता नहीं मुझे, और ये फुल आस्तीन है मुझे, मैंने ये टी शर्ट ले रखी है मेहरून कलर की। और यहाँ पे ये बेटे के और इनके दोनों के बाप बेटे मतलब अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं। और मुझे ये ब्लाउज का पीस मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया मल्टी कलर का, तो मैंने ये इसको भी ले लिया है। अभी जो
मेन मेन शॉपिंग है ना, तो मैं वो कर करके आ गई हूँ, और फिर वैसी वाली शॉपिंग फिर बाद में ही होगी। तो यहाँ पे ये बर्थडे का सामान है, सजाने वाला झालर, मोमबत्ती, बलून वगैरह, ये छोटे मोटा वो सामान ले रखा है यहाँ पे। और ये 3 नेल पेंट लिए मैंने, एक रेड ग्रीन और एक गुलाबी, गुलाबी सी मतलब जामनी गुलाबी जो कलर होता है वो। और ये 2 सिंदूर लिए हैं, ये लैक्मे बीबी का कंपैक्ट पाउडर है। एक क्लेचर भी ले रखा है मैंने, बड़ा वाला क्लेचर लिया है। एक छोटा सा बिंदी का पत्ता पसंद आएगा तो बिंदी लेनी है मैंने। और ये एक लिपस्टिक है बिल्कुल रेड कलर की, मैंने टमाटर वाला रेड, मुझे इस टाइप की बिल्कुल रेड कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बिल्कुल रेड है। और ये एक लवली भी ले रखा है, और ये बेटे के लिए हिमालय के लिए बेबी, हिमालय वाली बेबी क्रीम ले रखी है। तो गाइस मैंने शॉपिंग दिखा दी आपको, लेकिन शॉपिंग दिखाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना इनको समेटने में लग जाएगा, तो फैलाने में इतना लगा। तो अब इसको चलो समेट देती हूँ, फिर टाइम भी काफ़ी हो गया, 7 बजने वाले हैं और कोई तैयारी नहीं करी अभी शाम के खाने की, तो खाना भी बनाना। तो अब इसको सबको समेट के सामान को फिर कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद किचन में जाती हूँ, देखती हूँ क्या बनेगा रात के खाने में। तो सबसे पहले चलो इसको समेट देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सामान को सेट कर दिया और कितनी सारी सी जगह में आ गया, पहले कितना फैला हुआ लग रहा था, तो अब मैं इसको रख देती हूँ उठाकर। और अब मैं इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करूँगी। अब तो गाइस आज मैंने जो कुछ भी ख़रीदा वो सब कुछ मैंने आप लोगों को शायद शेयर कर दिया हुआ है। तो गाइस ये मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट शॉपिंग वीडियो जाएगी। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी, और एक लाइक कर दीजिएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।